पहाड़ों ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, हमेशा जब भी कभी फुर्सतों की बात आती है हम कहते हैं चलिए पहाड़ों में चलते हैं यार कुछ दिनों तक, फिर सब कुछ वहां ठीक हो जाएगा। और ये पहाड़ों के लोग जब कलाकार बन करके आते हैं तो बस सब कुछ बेहतरीन हो जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और एक बार वर्चुअल तालियों से हम स्वागत करते हैं उस कलाकार का जिसने पहाड़ से निकल करके पहचान बनाई है और आज माया नगरी मुंबई से हर पर्दे, बड़े पर्दे से लेके छोटे पर्दे, हर जगह अपनी अलग पहचान के लिए स्वागत है आपका। क्या बात है, थैंक यू। सुनीता रजवार जी हमारे साथ में है, एक ऐसा नाम जिन्होंने शुरुआत करी है हमारे उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से और अभी माया नगरी मुंबई से होते आज बनारस पहुंची। बनारस आई बोली बुला तो है मिलन से चला तो पहली तो मेरे को पहला गलत पहला जीरे चला बचले बचले लगना है। तो ये जो सफर रहा आपका हल्द्वानी टू मुंबई और मुंबई से हर किसी के दिल तक, तो ये सफरनामा कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुई ये चीज? पढ़ाई लिखाई हल्द्वानी में हुई और उसके बाद दरअसल मैं अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नैनीताल गई। अच्छा। हाँ, तो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में एमए किया। डीएसबी कैंपस। ओ, मैंने टूरिज्म भी किया वहाँ से। मैंने मास कॉम किया वहाँ से। वाह क्या बात है। तो जब मैं हल्द्वानी में थी तो अधिकतर स्कूल में, शादी ब्याहों में, घरों में जैसे होता है लड़कियां डांस करती हैं, मैं सिर्फ डांस कर पाती थी। अच्छा। मैं कभी अपना ढोलक चम्मच वाला जितना हमने उसमें देखा स्क्रीन में हीरो हीरोइनों को डांस करते हुए, कोई ऐसे पर्टिकुलर शैली को मतलब नहीं देखा। हाँ, ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो जब मैं नैनीताल गई वहां पे मैंने डीएसबी कॉलेज में एक फंक्शन हुआ उसमें मैंने डांस किया। अच्छा। तो उन दिनों लेट निर्मल पांडे जी जो हमारे युगमंच से जुड़े हुए थे, मैं युगमंच से जुड़ी हूँ नैनीताल के, तो वो अपना फेलोशिप प्ले कर रहे थे अजवा बफॉल। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ फीमेल आर्टिस्ट चाहिए जो प्ले करें और मतलब स्टेज पे शर्माए ना डरे ना। तो मेरे को कॉलेज के लड़कों ने बोला ऐसे ऐसे कोई प्ले कर रहा है आप करोगे, तो मेरे को ऐसा लगा ये तो सुनहरी अवसर है मेरे लिए, मैं कभी मौका ही नहीं मिला था। तो मैंने उन्हें हाँ बोला और फिर हमने उनके संग प्ले किया। मेरे साथ और दो लड़कियां थी, दीपा पाठक और सीमा बोरा, और हम लोग रूम लेके रहते थे क्योंकि हॉस्टल के टाइमिंग्स और रिहर्सल टाइमिंग्स मैच नहीं होते थे। नैनीताल में युगमंच में जहूरदा जो सब करता धरता है और मतलब सब कुछ वही है, इनफैक्ट मैं आज जो भी कुछ हूँ वो युगमंच की वजह से ही हूँ। ये बड़ी बड़ी बात होती है कि आप उस चीज को हमेशा अपने साथ याद रख करके चलते। नहीं बिल्कुल, अगर मैं युगमंच से नहीं जुड़ती, निर्मल दा के साथ वो प्ले नहीं करती, तो शायद मैं फिर कभी NSD के बारे में ना जान पाती, ना मैं अटेम्प्ट करती और ना मैं कर पाती NSD। तो उस वक्त पे फिर आपने परफॉर्म किया एक प्ले, तो उनके संग प्ले परफॉर्म किया और मेरा बहुत छोटा सा रोल था, तो मुझे बाकी इतना अच्छा लगता था ना कि मैं अकेली थी जिसको पूरा प्ले, एंट्री एग्जिट, हर कैरेक्टर के डायलॉग सब कुछ याद था। और बल्कि जो कोई दूसरा बोलता भी होगा आपके डायलॉग मन में चल रहे होते होंगे। मैं मतलब जो भी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग भी प्ले करते थे ना वो लोग ऑफिस के बात करते थे। अच्छा। तो ऑफिस आज के बात करते थे, सब मैच्योर लोग वही करते थे। तो कभी किसी की छुट्टी नहीं मिली या किसी का पारिवारिक कोई काम आ गया तो हर किसी की प्रॉक्सी सिर्फ मैं दे पाती थी। अच्छा, चलो आज ये नहीं आया तो सिर्फ क्योंकि मैं अकेली ऐसी थी जिसको हर किसी के डायलॉग याद थे, एंट्री एग्जिट एक एक मोशन याद था, तो वो निर्मल दा बोलते थे ये करे। तो उन्होंने जब मेरा इंटरेस्ट देखा ना तो निर्मल दा ने मुझे बोला तू NSD क्यों नहीं करती है। अच्छा। तो मुझे सच बताऊं तो क्योंकि हल्द्वानी में कोई कल्चरल एटमोसफियर उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था, मतलब तो मुझे NSD क्या चिड़िया का नाम है नहीं पता था। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब युगमंच वाले ना बहुत प्रोत्साहित करते हैं, उनका ऐसा है बहुत, किसी को भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने जब NSD का वो एंट्रेंस का फॉर्म निकला वो सब निकला तो निर्मल दा ने मुझे भरवाया, मुझे प्रिपेयर करवाया, लेकिन मेरा पहले साल नहीं हुआ था एडमिशन। फिर मैंने सेकेंड ईयर फिर ट्राई किया तो सेकेंड बार मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो फिर आप पहुंच गई दिल्ली। फिर मैं दिल्ली पहुंच गई। घर वालों ने क्या कहा? मेरे घर वाले तो मतलब मैं चाहती हूँ मैं जितनी बार इंसान के रूप में जन्म लूँ मुझे वही परिवार मिले। तो घर वालों ने तो बिल्कुल
मेरे तो अरे पहली बार जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेरी मम्मी ने मन्नत मांगी थी मेरी बेटी का हो जाए एनएसडी में। यही होता है हमारे वहाँ पहाड़ों पे, जैसे कोई भी चीज नहीं माननी बस वो धागा बांध के ऐसा करके कि हाँ, तो ऐसा था। तो मतलब मेरे लिए तो फिर वो एक नई दुनिया थी। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि वहाँ पर पैसों की कोई इशू नहीं था पैसों का, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलती थी। हाँ, आपको स्कॉलरशिप, हमें स्कॉलरशिप मिलती थी, और जो एक सिक्योरिटी देनी होती थी 2000 रुपए, उस समय सिर्फ 2000 रुपए थी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा होते थे। वो बहुत ज्यादा थी। तो मैंने नैनीताल में कॉलेज करने के बाद अशोका होटल वालों ने एक पहाड़ी रेस्टोरेंट खोला था पाहुन, और उसमें सिर्फ औरतें काम करती थी। और ये कहाँ, दिल्ली में खुला? नहीं नहीं, नैनीताल माल रोड में खोला था, वो ज्यादा चला नहीं था, लेकिन मैंने 5-6 महीने वहाँ काम किया था, और मैं मैनेजर थी, फीमेल मैनेजर थी। वेट्रेसेस सारी जो औरतें थी, जो हमारी मतलब मालकिन थी, वो भी अशोका होटल की बहू थी, तो सब औरतों का एक पहाड़ी रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पर से मेरी जो सैलरी थी, उससे मैंने वो सिक्योरिटी के पैसे जमा कर लिए थे 2000 रुपये, और मतलब मेरे को अपने घर से एक पैसा नहीं लेना पड़ा था। और बस फिर तो एडमिशन हो गया। फिर तो वो 3 साल इतने, मतलब वो जिंदगी के बेहतरीन साल थे। जहाँ दिल्ली पहली बार आए थे उस वक्त? मैं दिल्ली पहली बार, मतलब एक बार स्कूल की तरफ से आई थी, जब हमें 26 जनवरी दिखाने लाए थे, अदरवाइज ये पहली बार मैं दिल्ली आई थी। जब उतरे थे आप ट्रेन से? कहा, हम तो बस से आए थे, डीटीसी की आनंद विहार पे उतरे थे। देखा वहाँ की पर, मतलब ओहो ये दिल्ली है। और अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। और दूसरा क्या था ना, हमारे टाइम पे हम लोग बड़े सीधे लाटे जो होते हैं, मतलब वैसे थे, पहाड़ी ऐसी होती है, उनको कोई मतलब नहीं, वो जानते हैं दाएं बाएं, बस बाएं, तो बस। हमारा वो कैंपस होता था, मंडी हाउस में ही रहना होता था, हॉस्टल में ही रहना होता था, सुबह से लेके रात तक मतलब लगातार काम चलता है। और जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, उन्हें सेकंड थर्ड ईयर के अगर कोई ग्रुप है या क्राउड है, छोटा रोल है, उसमें यूज करते थे, सारी वहां पे क्लासेस करते थे। वो 3 साल कैसे बीतते हैं पता ही नहीं चलता। एनएसडी की दुनिया जो होती है, वो दुनिया क्या होती है, किस तरीके से उसमें एक आम आदमी जब जाता है, एक पहाड़ का बच्चा जब जाता है, तो वो कैसे एंट्री करता है और किस तरीके के एटमॉस्फेयर का सामना करता है वहाँ पर? क्योंकि हमारे साथ तो कई चैलेंजेस भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जबान से संबंधित, जबान से संबंधित होता है। बिल्कुल, हमारा एक अपना अलग टोन होता है, जैसे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू, या मतलब शायद वो सुनने वाला समझ जाएगा कि ये तो पहाड़ से। तो एक तो वहाँ पे क्या होता है कि भगवान की दया से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, तो बेसिक तो अंग्रेजी आती थी, बेसिक अंग्रेजी आती थी, अंग्रेजी किताबें पढ़ सकते थे, सारी टीचर्स जो अंग्रेजी में बात करती थी वो हम समझ सकते थे। लेकिन वहाँ पहली बार ये देखा कि टीचर और स्टूडेंट में दोस्ती वाला रिश्ता होता है, मतलब अदब है, लेकिन आप अपने टीचर से कुछ भी बात कर सकते हो। जैसे वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम है, हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा ऐसा होता था ना कि आप परिवार में भी खुल के बात नहीं करते हैं, जो मैंने आज तक भी देखा है, थोड़ा सा डर रहता है यार। एक डर रहता है, और जो हम तहजीब है उसको भी डर का ही हिस्सा बना देते हैं। अगर मेरी दीदी बड़ी है तो इससे ये बात नहीं कर सकते हैं, पर्सनल बातें तो नहीं कर सकते हैं, ईजा से ये कर सकते हैं तो बाबू से ये बात नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर वो नहीं होता है, आप बिल्कुल खुल के रहते हो। दूसरा, वो 3 साल आप ये समझ लीजिए, चाहे आप 22 साल के हों या आप 25 साल के हों, आपको सारे डिसीजन अपने आप लेने। आपका क्लास में मन नहीं लग रहा है, या आपको छोड़ के जाना है, या आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा है, या मान लिया आपको कोई पसंद आ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है, आप खुल के रह रहे होते हैं ना, और सब जगह से, अलग अलग जगह से लोग आए होते हैं, आप किसी की खूबी से प्रभावित भी होते हो, कभी किसी सीनियर को देख के, उसकी एक्टिंग देख के आपको लगता है ये कैसे ऐसा करता है, क्योंकि पूरा माहौल ही अलग होता है, हवा ही अलग होती है। और जैसे अब मेरे घर में हमने कभी नौकर नहीं रखा है, सब काम हम औरतें घर की खुद करती हैं, सब करती हैं, तो वहाँ पर आपके लिए एक बाई होती है जो आके आपके आपका कमरा साफ कर देती है, आपको वहाँ बेड वगैरह सब मिलता है। अच्छा। आपको वहाँ पे बेड, हाँ, आपको आपका पूरा बेडिंग दिया जाता है, जैसे आप एंटर करते हैं आपको पूरा मेकअप का किट दिया जाता है, और वो जो हमने देखा भी नहीं होता है, क्योंकि हम किताबें इतनी सारी कि जो किताबें आप देखो, मतलब कहानियां, नाटक और पोयम, मतलब क्या चाहिए जिंदगी में, क्या चाहिए।
और जो मेकअप है, मुखौटे लगे हैं, कुछ लगाए, हमें मेकअप के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, बेसिक काजल। और हम तो जब छोटे शहरों में नाटक भी करते हैं तो वो उसी लिपस्टिक से लाल लगा लिया, उसी से शेडो बना लिया ना, काजल लगा लिया हो गया, या फिर बड़ा बड़ा काजल लगा लिया ना, रामलीला टाइप। हमको तो सिर्फ इतना मालूम है, तो इतना बड़ा हमको मेकअप का डब्बा मिल, पूरा किट मिलता है, स्टेशनरी मिलती है, वो सब। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम मतलब अलग दुनिया में आ गए, अलग वो हो गया, इतना ऐशो आराम सब कुछ, और हर चीज टाइमिंग से, सुबह 8 बजे से क्लास हो रही है, अलग अलग बड़े बड़े टीचर्स आ रहे हैं, कोई छाव सिखा रहा है, कोई मूवमेंट सिखा रहा है, म्यूजिक के ऊपर बात हो रही है, जो बातें हमने मतलब जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, और आप खोए हुए उस दुनिया में, पूरी वो एक अलग दुनिया होती है मतलब, और लोगों की बातें करने का तरीका होता है, तो थोड़ा सा ऐसा एक लगता है कि अरे ये क्या। अगर आप बिल्कुल खाली हो तो आप इंजॉय कर पाते हो। हम लोगों का ये था कि हम लोग शायद बहुत उस एज में छोटी जगह से होने की वजह से बहुत नाइव होते हैं, बड़े क्लीन होते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। हाँ, तो जैसे क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे आते हैं कि अरे हमने तो 25 प्ले किए हैं, हमने इतने साल से ये किया है। अच्छा कैमरे में देखना है अच्छा ठीक है। हाँ, तो उस माहौल में थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप अपने आप को कैसे सेटल करते हो, कैसे एडजस्ट करते हो, लेकिन उसके बाद आप रमने लगते हो, आपको मजा आने लगता है, और वो 3 साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आप वहाँ ना, वहाँ से निकल के बाहर की दुनिया में जाकर अपने आप को बिल्कुल तैयार पाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को अगर करना है तो वो इतना सोच करके चले कि भाई ये जो दुनिया है, हाँ, तो इस एक बार इस दुनिया में एंट्री करे, और करें। आम बात नहीं, ऐसे ही नहीं चले जाता ना, ना, जैसे नहीं। हमारे वहाँ पहाड़ों में कहते हैं, हाँ, अरे तो चला गया रेडियो में, इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, नहीं चले गई फिल्मों में, इनको भी ले जाओ। और सबसे बड़ी बात कि NSD एक्चुअली थिएटर के लिए है, NSD फिल्मों के लिए है भी नहीं। हमें वहाँ फिल्मों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, और मतलब इनफैक्ट मैं भी ये चाहती थी कि मैं वापस जाके नैनीताल के लोगों के साथ, युगमंच के साथ थिएटर करूं। मैं तो इनफैक्ट लकी थी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वापस अपने शहर या गांव जाकर शुरू करते हैं, लेकिन मैं लकी थी कि मेरे पास एक ग्रुप था, मुझे वहां जाके सिर्फ काम करना था, पर मेरी ज़िंदगी मुझे कहीं और ले गई। और ये क्या हुआ उसके कॉलेज के बाद का जो सफर रहा, फिर कहाँ, कौन सी पहली फिल्म मिली? उसके बाद तो मैं पहले मैंने रेपेट्री करी, फिर कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं बॉम्बे आई, नहीं तो शायद मैं बॉम्बे नहीं आती। और उसके बाद बॉम्बे आई मैं, और बॉम्बे आके भी मतलब मैं शायद अपने आप को मैं लकी ही मानती हूँ। अच्छा। तो मैं, मेरी दोस्त है एक जया सील जो NSD की मेरी बैचमेट है, उसके संग रही मैं एक महीना, और जो हमारे आसपास यारी रोड में रहती थी तो आसपास जितने भी दोस्त थे मिलते रहते थे। वाणी त्रिपाठी एक हैं जो अभी शायद BJP में भी हैं, वो उस समय थिएटर इन एजुकेशन TI कंपनी जो NSD कैंपस में ही था, वो वहाँ पर स्टूडेंट थी और प्ले करती थी, और वो मेरी मित्र थी। तो वो जिस समय मैं बॉम्बे आई उस समय वो अच्छा खासा काम कर रही थी, बड़े बड़े सीरियल कर रही थी। और एक एपिसोडिक सीरियल वो CID का कर रही थी, तो उसमें उनको फाइनली पता चलता है कि उन्हें हार्नेस से लटकना है एक पर्टिकुलर सीन में। अच्छा। तो उन्होंने अपने डायरेक्टर को बोला कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं हार्नेस में नहीं लटक सकती, मेरे को प्रॉब्लम है बैक में। हाँ। तो फिर डायरेक्टर ने उनको बोला भाई आप बताओ लास्ट मोमेंट पे हम किसको कास्ट करें, कोई है आपकी नजर में? अच्छा। ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला मेरी एक फ्रेंड आई हुई है NSD की है, तो मैं आपको उनका नाम सजेस्ट करती हूँ, वो आपसे मिल लेगी। तो उन्होंने मुझे भेजा, मैं BP सिंह सर से मिली और उनसे बातचीत करी, और इस तरह मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला। तो मतलब एक वो कोइंसिडेंटली, ये कोइंसिडेंटली हुआ है, पर मेहनत उसके पीछे बहुत, नहीं नहीं मेहनत तो है। देखो मतलब मैं ये कहूंगी कि अगर किसी को जल्दी काम मिल जाता है या किसी को बहुत टाइम बाद मिलता है, तो मेहनत सबकी ना अपने अपने लेवल की, अपने अपने नसीब की तो होती ही होती है, क्योंकि एक काम करने के बाद आपको दूसरा काम एकदम से मिले ऐसा नहीं होता है। आपको जो पैसे हैं वो बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, और जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं। मैंने तो सुना है कि अभी कई बार ऐसा होता है मुफ्त में ही काम चल रहा होता है, ऐसा भी होता है कई बार? मुफ्त में काम मतलब ऐसा होता है पर बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है। और क्या होता है कि ना सबकी देखिए अपनी अपनी परिस्थिति होती है। मैं जैसे अपने घर से पैसा लेके नहीं
आई थी, मैंने जो कुछ एनएसडी में कमाया था थोड़ा बहुत वो लेके आई थी, क्योंकि मैं अपनी दोस्त के संग रह रही थी तो मेरे रेंट पे या खाने पे पैसे नहीं जा रहे थे। और दूसरा हम लोग उस टाइप के भी नहीं होते ना, बहुत खर्चीले नहीं होते हैं बाहर। ना हमको तो पार्टी में जाना, बाहर जाके खाना खाने का तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ऐसा है कि घर में बनाएंगे, घर में ही बनता है। और बाहर जाए कोई, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं 25 साल में कभी हल्द्वानी में सपरिवार किसी होटल में खाना खाने गई। मैं हम कभी नहीं गए थे, हमारे वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। घर में बनाते हैं ना, रिश्तेदार भी आता था तो उस दिन बहुत अच्छा बहुत ज्यादा खाना बन जाता था, लेकिन बाहर नहीं जाते थे। और मेरे पापा को फिल्मों का बहुत शौक था। अच्छा। और मेरी मम्मी किताबें बहुत पढ़ती थी। मैंने सुना है कि आपके पिताजी हर हफ्ते चाहे वो कोई भी फिल्म हो, कैसी भी फिल्म हो, उसको दिखाने ले आते थे। सही बात? पक्का है? पक्का। हाँ। तो मतलब आपने हर तरह की फिल्में देखी? हमने हर तरह की पिक्चर देखो। मैं किस जगह पे? ये हल्द्वानी जैसी जगह है, सिनेमा प्रेम लक्ष्मी और नाहिद। अभी तो प्रेम लक्ष्मी शायद अभी चलते हैं, चलते नहीं है, नाहिद भी बंद हो गया है। अच्छा। और नैनीताल जब हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे, हिमालय होटल में रहते थे और वहाँ अशोका में और कैपिटल में पिक्चरें लगती। कैपिटल तो दोबारा शुरू हुआ है अभी। कैपिटल में मैंने स्केटिंग करना भी सीखा है, क्योंकि जब सामने से जो होता था, क्योंकि अब वो बंद हो गया है। उस समय वहाँ अंग्रेजी प्ले होते थे। हम होता है सिनेमा इस तरफ है और आई थिंक दूसरी साइड होता है। हाँ, पहले वहाँ पे पूरा नीचे कैपिटल में प्ले होते थे और वो पूरे उसमें हम जो है स्केटिंग हुआ करती थी। तो वो मतलब अब तो मेरी काफी उम्र हो गई है तो हमने बहुत पुराना वाला वो देखा है। और मैं ये कहना चाहूँ, मेरे फादर हाइडल में ड्राइवर थे। बात है उसके बाद ये मैं इसलिए मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि मैं जो बोल रही थी, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। माय फादर वाज नॉट एजुकेटेड, माय फादर वाज from a like a he was I lost him last March, so he was from Pithoragarh. और ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ऐसे रईस खानदान से हैं, वो भाग के आ गए थे अपने बलबूते पे, उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां करी और शादीवादी करने तक जब तक हम पैदा हुए मेरे पापा ड्राइवर थे हाइडल में। ही वॉज अ वेरी गुड ट्रक ड्राइवर। और ये कमाल की बात है कि एक अनपढ़ ट्रक ड्राइवर हाइडल का अपने बच्चे को शहर के बेहतरीन स्कूल में भेजता है। मेरे हम तीनों भाई बहन हम निर्मला कॉन्वेंट में पढ़ते थे, जबकि जो हाइडल के एसडीओ थे और जेई लोग थे उनके बच्चे भी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। हाउ माय फादर मैनेज्ड इट आई हैव नो क्लू। तो कहने का मतलब ये है, जो पहाड़ से हमारे छोटे छोटे घरों से आए हैं ना, आप हिम्मत मत हारिए। नहीं बिल्कुल आपको नहीं, सुनीता रजवार जैसे मुकाम तक पहुंचने के लिए एक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन असंभव नहीं है। बस देखिए, मेहनत तो हर काम में, अगर आप एक छोटी सी जगह पे आलू भी बोएंगे तो आपको मेहनत करनी है। आप अगर पूरे परिवार के लिए एज अ हाउस वाइफ घर चलाते हैं, खाना बनाते हैं, पूरा घर संभालते हैं, मेहनत उसमें भी है, हर काम में मेहनत है। और लेकिन यह है कि कोशिश कर, एक ट्राई मार लेना चाहिए। क्या बात है, एक ट्राई मार लेना चाहिए। और क्या पता फिर मौका मिले, मौका मिले ना मिले, हाँ चमक गई तो अच्छा ही है। बिल्कुल। और जो लोग अब पेरेंट्स बनेंगे या जो लोग पेरेंट्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को रोको मत। मैंने अपने माँ बाप से यही सीखा है कि मेरे माँ बाप को, मुझे नहीं पता था एनएसडी क्या है, तो मेरे माता पिता को पता होना तो कोई सवाल ही नहीं, बहुत मुश्किल बात है, पता नहीं होता लोगों को, नहीं पता होता है चीज़ है, एफटीआई बस है। मेरे माता पिता ने कभी रोका नहीं, हमने कहा हमें एनसीसी करनी है करो, एनएसडी करनी है करो, मुझे ये जो भी, मैं जो है मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट, मैं मीडियो का स्टूडेंट सिर्फ पास होती थी हर साल, और मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट थी, तो मेरे पापा ने उसको नैनीताल के बिरला विद्या मंदिर में भेजा। अच्छा। उस ही सैलरी में उन्होंने सब मैनेज किया, कभी रोका ही नहीं हम लोगों को। और शायद आज वो जो हमें परवरिश मिली है, जो हौसला मिला है कुछ करने का, वो शायद कहीं उनसे ही मिला है, पिताजी का जितना योगदान था। हाँ। उसी वजह से आप इतना, और हम इतना ठाट से जीते थे ना, बता नहीं सकती हूँ। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, हमने मेरे पापा को क्योंकि फिल्में इतना देखते थे तो बहुत शौकीन थे, ओसीएम की एक दुकान थी सरदार जी की सदर बाजार में हल्द्वानी में। अच्छा, हाँ। वहां जाके वो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कोट बनवाते थे, वैसा कपड़ा लेके उस स्टाइल का, मेरे पापा देवानंद जैसे ऐसे बाल बनाते थे। एक चाइनीज शू मेकर था नैनीताल माल रोड में, मेरे पापा उससे डिजाइन देख के शूज बनवाते थे।
इवन हम तो मतलब मेरे पापा कहने के लिए मेरे पापा ड्राइवर थे, लेकिन हमने वो कभी उन्होंने हमें ये महसूस नहीं करवाया। आपने वो जिंदगी जी है, मतलब कहते हैं ना कि पिता अपनी बेटियों को बिल्कुल राजकुमारियों बिल्कुल रा, और इनफैक्ट हमारे घर में जैसे मेरा भाई सबसे छोटा था तो हमको ऐसा कभी मेरे पापा लोगों ने या मम्मी लोगों ने महसूस नहीं करवाया कि वो लड़का है तो उसको सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट मेरे पापा और मम्मी लोगों ने हमारे मेरे भाई को समझाया कि बहनों से सीख, बहनों की तरह बन, ऐसा वाला। तो पिताजी ने सारी सुविधाएं आपको दिलवाई, सब सुविधाएं थी। हाँ। और उसके बाद आपने एक सफर शुरू किया अपना एनएसडी का, पहला रोल भी मिल गया था और वो मिला सीआईडी में। सीआईडी में, और उसके बाद फिर सफरनामा आगे बढ़ा और क्या टीवी सीरियल से ही काम आगे चलता रहा या उसके बाद फिल्मों की तरफ रुख कब हुआ? मैंने टीवी काफ़ी सालों तक किया है, उनके साथ सीआईडी करने के बाद उन्हीं के साथ मैंने आहट एक एपिसोडिक उनका आता था पहले भूत वाला, वो किया था, उसमें उन्हें काम अच्छा लगा। फिर उनका अचानक 37 साल बाद एक रनिंग शो आया, उसमें काम किया। और फिर किया था कि बहुत रेगुलर काम नहीं था, बहुत कम पैसे में काम था। फिर मैं अपनी एक दोस्त है मेरी अचिंत कौर, अच्छा। जो टीवी में बहुत बड़ा नाम है, और वो मुझे एनसीसी कैंप में मचखाली में मिली थी, अच्छा। तो वो मुझे 13 साल बाद मिली फिर बॉम्बे में। अरे वाह। और उससे बात हुई तो उसने बोला तू आ जा मेरे घर, तू कहीं नहीं रहेगी, यहीं रहेगी। तो जैसे मैं ना अब मैं बोल रही थी मेरे माता पिता बहुत अच्छे मुझे मिले, भाई बहन बहुत अच्छे मिले, उसी तरह मैं दोस्तों की धनी हूँ। दोस्तों की धनी हूँ मैं, मतलब मेरी लाइफ में कोई मुसीबत आ जाए मुझे कभी चिंता ही नहीं होती है। वो दोस्त खड़े रहे हैं मेरे, दोस्त मतलब चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। तो मैं 5 साल अचिंत के संग रही थी। तो जैसे जब ठीक काम नहीं मिल रहा है या कम पैसे में काम मिल रहा था, कुछ समय तक मैंने फिर सीरियल किए। उसके बाद मैंने एक फिल्म अचानक मुझे मिली थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें मेरा बैचमेट राजपाल भी था। तो जो वो डायरेक्टर थे वो उनकी पहली फिल्म थी चंदन अरोरा की, और वो बड़ी सहजता से या सरलता से पिक्चर बना रहे थे और बड़े आत्मीयता से मिलते थे। तो मैंने उनसे ये बोला कि आपके पास अगर नेक्स्ट फिल्म में मेरे लिए रोल नहीं होगा तो मैं आपको असिस्ट करना चाहूँगी। तो जब वो दूसरी फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और बोले अगर तू खाली है असिस्ट करेगी? मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा। तो राजपाल यादव उनकी दूसरी फिल्म में थे, मैं मेरी पत्नी और वो, जो हमने लखनऊ में शूट करी थी फिल्म है वो। तो उस फिल्म में मैंने उन्हें असिस्ट किया था क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी थी और मैं एक एक्ट्रेस थी, तो इसलिए उन्होंने बोला तू ये वाला काम संभालेगी। तो दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म एज एन असिस्टेंट। और फिर मुझे ये सारा काम इतना अच्छा लगा और मुझे क्योंकि एक्टिंग का प्रोजेक्ट नहीं मिला था तो मैंने कम से कम 4 से 5 साल उनको असिस्ट किया है। मैंने उनकी दूसरी फिल्म स्ट्राइकर में कास्टिंग भी करी और डायलॉग्स लिखने में भी मदद करी, रिसर्च में मदद करी। और उसी के बीच में अचानक मुझे 1:40 की लास्ट लोकल मिल गई थी। 1:40 की लास्ट लोकल तो मतलब हाँ, अलग ही। और वो भी मुझे अपने एक पहाड़ी भाई के थ्रू मिली है। और वो पहाड़ी भाई कौन? हरभजन है या हरबंस, हरबंस उनका नाम है। तो वो उन्होंने हेमंत पांडे के संग वो कोई प्ले कर रहे थे पहाड़ी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला, कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि आप आके मिलो, हम पहाड़ी में प्ले कर रहे हैं। अच्छा। अब पहाड़ी भाई लोग मुझे मारे ना, तो मेरी पहाड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे घर में कभी मम्मी पापा किसी ने पहाड़ी नहीं बोली। ऐसा कह रही है लेकिन इनकी पहाड़ी नहीं। नहीं। तो में बात करनी चाहिए तो फोन में आधे घंटे तक हमारे पहाड़ में बात है। पर मैं नाटक नहीं कर सकूं ना। नाटक करने में तो अलग बात है, अलग ही बात अलग है। तो मैंने उनको बोला कि मैं जो है करना चाहूंगी पर मैं पहाड़ी में प्ले नहीं कर पाऊंगी, वेरी सॉरी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। और फिर एक हफ्ते के अंदर मुझे उनका फोन आया हरबंस जी का, के बोले एक जगह फिल्म की कास्टिंग चल रही है तो तुम वहां जाके ऑडिशन दे दो। अच्छा। मैंने ऑडिशन दिया और मेरा हो गया। और मतलब मुझे फिर 1:40 की लास्ट लोकल मिल गई। और वो एक ऐसी फिल्म थी जिसने मुझे बहुत कुछ दिया। अगर वो नहीं, उसमें मेरे को लगता है आपने अपनी जो आपकी जो क्वालिटीज है आप उनको लेकर के आए पर्दे पर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कलाकार को वो मौका नहीं मिलता। मौका नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि कलाकार को सही मौका मिलना। तो वो फिल्म बहुत अच्छी चली थी, हालांकि अगर वो फिल्म आज चल आती तो उसकी कुछ और ही बात होती। अभी ये जो समय है उन्हीं तरह की फिल्मों का है। अभी अभी रियल सिनेमा, रियल सिनेमा है, नहीं तो वो तो एक वाली फिल्म होती है। हाँ, तो जिसमें मतलब एज एन एक्टर आपके पास कुछ होता नहीं है ज्यादा करने के लिए। तो वो फिल्म में मुझे स्टारडस्ट ने 97 में बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट भी किया था।
तो मैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था, तब मैं स्ट्राइकर में असिस्ट कर रही थी चंदन अरोरा को, और संजय खांदूरी जी का फोन आया कि तुम्हारा नंबर लिया है, नाम लिया है, और तुम्हारा ऐसे ऐसे जो है वो हुआ है, नॉमिनेशन है। तो वो तो ऐसी बात हो गई थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि मैंने जब फिल्म करी थी तो वो रोल छोटा था, मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी उससे। इसीलिए मैं बहुत आगे पीछे बात कर रही हूँ। इसीलिए जब आजकल लोग बोलते हैं ये किसके बारे में बोलते हैं, कोई भी कलाकार, ना कलाकार नहीं, ये आजकल वो बहुत चल रहा है ना टिकटॉक, हाँ हाँ, कि ये फिल्म वाले हैं तो इनको ही काम मिलता है, नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म को मैं इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंने जब ये फिल्म करी थी मैं किसी को नहीं जानती थी। हाँ। मुझे एक चांस मिला था और वो मैं ऑडिशन मैंने दिया है, उसके थ्रू मेरे को वो रोल मिला। मैंने वो सिर्फ ऑनेस्टली वो रोल किया था और मेरा नॉमिनेशन हुआ, और मेरा नॉमिनेशन कंगना रनौत, शिल्पा शेट्टी और अश्विनी केसेकर और इन बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के संग था। तो मैं जिसको कोई नहीं जानता है, वो सुई अगर आपकी घास में खो गई तो मैं उस सुई के बराबर थी। लेकिन अगर तब भी किसी ने मेरा नॉमिनेशन किया है का मतलब ये क्लियर काफी बात कहता है कि नेपोटिज्म एज सच नहीं है। आज आप अगर देखिए हम लगते हैं कि कांटेक्ट बनते हैं, कांटेक्ट बनते हैं, आपके काम से होता है, और हमारी फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में नसीब से बहुत काम होता है। तो ऑब्वियसली देखो, अभी आज मैं एक्ट्रेस हूँ, कल को मेरा भांजा या मेरा भाई कहता है कि भाई मेरे बेटे को एक चांस दो, तो ऑब्वियसली मैं उसे चांस दूंगी, चाहे मेरे सामने रणबीर कपूर का बेटा हो या रणधीर कपूर का बेटा हो, मैं पहले अपने भाई को चांस दूंगी। और ये हमारे परिवार वाले एक्सपेक्ट भी करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा फर्ज बनता भी है, फर्ज बनता भी है। देखिए आज हम यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, तो क्या ये नेपोटिज्म है? तो फिर तो ऐसे तो सब, और कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है। अगर किसी के पापा वकील हैं, वो चाहते हैं मेरा बेटा मुझसे बड़ा वकील बने, मेरी बेटी की शादी एक जज की बेटे से हो, क्योंकि हमने वो फील्ड देखी होती है, हमें उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा बुरा सब पता होता है। तो और हम बड़े प्राउड होके कहते हैं हमारे घर में सब टीचर्स हैं, हमारे घर में सब आर्मी वाले, हमारे घर में सब लॉयर हैं। हमारे वहां तो आर्मी वाले होते ही हैं ना, पहाड़ी में होते ही हैं। तो अगर हमको देखो, पहाड़ी तो हिसाब से कहेंगे कि आर्मी में नेपोटिज्म चल रहा है। देखिए ये वो वाली बात हो जाती है कि अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल नेपोटिज्म होता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपोटिज्म होता है। आज जितने लोग इंडस्ट्री में बड़ा नाम है ना, सब बाहर के लोग हैं। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, कीर्ति सेनन, और आपके ये तापसी पन्नू, कंगना रनौत खुद, कौन था इनका, कोई था, कोई नहीं था जब इन सब ने, और इवन अमिताभ जी ने इतना स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पे स्ट्रगल सबको अपने अपने हिसाब का करना पड़ता है, यहाँ पे सबको अपने अपने हिस्से का ही मिलता है। वो कहते हैं ना कि आपके नसीब में है तो आपको मिलेगा, नहीं है आपके नसीब में तो आप कुछ कर लो आपको नहीं मिलता। अगर ऐसा ही होता तो आज जो बहुत बड़े बड़े फिल्मी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं ना, वो सब सुपरस्टार होते, पर वो नहीं है। शाहरुख खान कहीं का नहीं है, अक्षय कुमार का कोई वो नहीं है। ये बात तो आती है, उसके बाद ये भी है कि मतलब आपका टैलेंट ही आपका टैलेंट है, जैसे आपको 1:40 की लास्ट लोकल में मिला, मेरे को कौन था यार मेरा, उसके बाद के आगे के सफर जब चले थे। हाँ, मुझे जैसे धीरे धीरे हुआ, अब मैंने सीरियल्स में बहुत सारा काम किया, मैंने हर जगह ऑडिशन दिया है, मैंने अभी स्त्री करी, लोगों ने पसंद किया, केदारनाथ करी, केदारनाथ सुशांत ऊपर उतना पूरा चढ़ा के ले गया, मैंने शुभमंगल ज्यादा सावधान करी, मैं आज भी बनारस में जिस काम के लिए आई हूँ। हर जगह हम ऑडिशन देते हैं, हमारी बात होती है, या वो लोग पिछला काम देखते हैं, हम उस रोल में फिट होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है एक काम मिलने का, आपका रोल में फिट होना, आपका हर बात पे एग्री होना, आपको कैरेक्टर पसंद आना, आपकी डेट मैच हो जाना, तो उसके बाद काम मिलता है। तो मेरे को लगता है जो बाहर के लोग हैं जो नहीं जानते, जैसे मैं टीचिंग जॉब के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मुझे नहीं मालूम है वहां क्या होता है। मैं लॉयर्स की फील्ड के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, मैं हम किसी के बारे में बहुत ऊपर ऊपर जानते हैं। तो मतलब मेरी तो रिक्वेस्ट है जो आम जनता है, वो कभी किसी भी एक्टर को या किसी भी इंसान को कोई भी जज नहीं करना चाहिए जब तक हमें असलियत नहीं मालूम होती। सही बात है, हम एक तरफा हम ही बना लेते हैं कि अरे सुनो यार ऐसा होता है,
तो ऐसा होता है नहीं, पहले देखो, देख लो और हाँ, इस मतलब मतलब हम लोग अंधविश्वास करके जो जज करने लगते हैं वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई इंसान हो। मैं ये एक्टर हूँ तो एक्टर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल लाइफ में भी हमको कभी किसी को नहीं जज करना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है ना, सोशल मीडिया आजकल इतना चल गया है ना, तो उन्होंने जो भी देखा उन्होंने कहा यही होता है। और देखिए हर एक की अपनी सच्चाई होती है, जो मेरी सच्चाई है वो शायद किसी और की सच्चाई ना हो। तो एक मेरी बात सुन के, मेरी ही बात पे विश्वास करके दूसरे को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हर एक की अपनी सच्चाई होती है, हर कोई सही होता है, हर दूसरा आदमी दूसरे के लिए गलत होता है। तो सॉरी, ये तो हम कहीं पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं, ये अच्छा है, मतलब बातों में हम कहीं दूर निकल गए। हाँ, अभी आपकी 41 की लास्ट लोकल आई, उसके बाद फिर सफरनामा और आगे उसके बाद हाँ, वो मैं असिस्ट करते करने के बीच में ही मैंने करी थी, और उसके बाद फिर कुछ साल मैंने एक्टिंग छोड़ी दी थी। फिर मुझे एक शो मिला था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसने फिर मुझे एक नई पहचान दी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसने मतलब मेरा रामायण में भी, मैंने रामायण में मंथरा का रोल किया है। मुझे अधिकतर ना या तो नेगेटिव रोल मिलते हैं या फिर कॉमेडी के रोल मिलते हैं। कॉमेडियन होना चाहिए। मैं शुभमंगल ज्यादा सावधान में जवाब लड़ रहे थे, मैं तो कह रहा था, बल्कि मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये ऐसे इतना नेचुरल कौन लड़ सकता है। तो वो जो था, मैं एक्चुअली शायद पहले बहुत लड़ाकू थी, अब मैं जैसे जैसे बड़ी हो गई हूँ तो मैं अनुभव के साथ साथ थोड़ा मैच्योर हो गई हूँ, लेकिन मैं बड़ी लड़ाकी थी, और इसलिए मेरे लिए ना लड़ने वाले सीन करना बड़ा आसान होता है। मुझसे मेरे पति बोलते रहते हैं कि तू कितनी, वो मुझे लड़ाकू मुर्गी बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं एक तो तू हर एक की बात में टांग अड़ाती है, तुझे क्या करना है, तू अपना काम कर। और पर मेरे को ना ऐसे हो जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है, मान लिया मैं रस्ते में जा रही हूँ, किसी ने कुछ ऐसे कूड़ा फेंक दिया या किसी ने दूसरे को जबरदस्ती किया, तो मैं उस जानती नहीं हूँ दोनों को, ये जरूरी है ना, ये वो कुछ नहीं करेगा और मैं बीच में अटक जाती हूँ, अरे ये तो क्यों करा, फेंक दो ना। अरे भाई उसने, या कोई ना किसी दूसरे से पूछेगा, अरे यहाँ से वो वाला वो रास्ता, अब वो पूछ दूसरे से रहा है, मुझे रास्ता पता है, तो मैं कहूंगी नहीं वो नहीं ना, वो वहां से वहां से। आदत होती है ना हम लोगों की, जैसे पहाड़ियों का होता है, जैसे उनको जाना है पहाड़ पे, अरे तेरे को जाना है रानीखेत जाना है, हाँ, तो यहाँ से अब वो पूछ भी नहीं रहा है बंदा, किसी से पूछ रहा है क्या कर रहा है, तो ये बड़ी बुरी आदत है। जो है ना, मेरे को लगता है यही शायद आपको आगे बढ़ाता है। अभी जब मैं ग्लिच में आपको देख रहा था, ग्लिच बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। देखिए वो आजकल की यो जनरेशन के साथ पे उस वक्त को मिलाया हुआ है, कैसे किया आपने उसको? अरे मतलब ये तो एक्चुअली वो हमारे जो डायरेक्टर हैं, और मतलब ये हो गया एक्चुअली जब उन्होंने मुझे इस रोल के लिए बोला ना कि दादी है, तो पहले मुझे लगा दादी, फिर लॉकडाउन में क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है दादी भी बनूंगी। अभी जब माँ बनते हैं तो दादी बनने में भी क्या जाता है, एक्टर हैं। तो उन्होंने जब कहानी सुनाई तो मैंने कहा ये तो मैं करूंगी, पक्का करूंगी, क्योंकि एज एन एक्टर आपको बहुत कम ऐसा चांस मिलता है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिले जिसमें आप कुछ कर सके। बिल्कुल अलग कहानी, अगर आपने अभी ग्लिच नहीं देखी है तो प्लीज, हाँ प्लीज देखना, प्लीज देखना, बहुत अच्छी है वो। तो उसमें ना मैं वो लड़की को जानती थी जो मेरी अपूर्वा को जानती थी, ना अपूर्वा मुझे जानती थी। अच्छा। और क्योंकि उन दिनों कोविड था तो हमारी जूम में एक दिन, हाँ हमारे डायरेक्टर, मैं और अपूर्वा, उन्होंने हमें, डायरेक्टर ने हमारे को कहानी सुना दी और विदु, और उन्होंने जो है बोला ऐसा ऐसा है, हमने कहा ठीक है। मैंने कहा सर हम लोग तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है ये कैसे बात करती है, मैं कैसे, लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं था, वो शूटिंग की डेट आ गई और हम सीधे सेट पे मिले हैं। सेट पे मिले हैं तो खैर जितना उन्होंने बताया हमने कर दिया, थोड़ा तो देखिए गेटअप से भी हो जाता है, वाइट बाल लगा दो, थोड़ा वो बुड्ढा सा बना दो तो हो जाता है, और जैसे अभी भी मैं इतना चटर पटर बोल रही हूँ तो उसमें मैं थोड़ा ऐसे संभल के बोल रही थी, कितना वक्त बोलती है रे तू, ऐसा करके मैं बोलती थी। तो उसमें क्या है, थोड़ा वो चेंज हो जाता है, और मैं खुश थी कि मुझे पहली, नहीं तो मुझे ना हमेशा ऐसे वाले ही रोल मिलते हैं कि पटर पटर बोल रही है, तेज बोल रही है, लाउड एक्ट कर रही है, तो मेरे लिए वो बहुत एक अच्छा चांस था कि मैं, जब इरिटेट होती है दादी, गेम खेल रही होती है अपूर्वा, जब दादी बन जाती है उस कैरेक्टर को, जब आपने ओढ़ा है, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि, मेरे को लगा अपूर्वा चेंज हो गई है, और वो सच में ऐसा लग रहा था कि अपूर्वा ही कर रही है, अपूर्वा ही कर रही है, और अपूर्वा ने भी बहुत अच्छे, अपूर्वा ने भी बहुत अच्छे से किया। और मैंने ना कभी गेमिंग खेली है, मैंने अपने भाई को देखा है पबजी अबजी खेलते हुए, लेकिन वो मैंने बस ऐसे 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 करके, मतलब जितना एक्सपीरियंस, मतलब देखा था ऑब्जर्वेशन से वो सब किया, पर वो जितना भी हम, वो दादी जब अपूर्वा बनी थी, जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो वो मतलब इन जनरल रियल लाइफ में तो मेरी भाषा है नहीं, और वो हम स्लैंग भी नहीं बोलते हमारे टाइम पे, जब हम पढ़ते थे तो
मतलब एक बेसिक वाली जो अंग्रेजी होती है वैसे बोलते थे हम लोग, स्लैंग नहीं बोलते थे और हम लोग मीम नहीं बनाते थे, ये सब कुछ होता नहीं था, तो ये यो तो थे ही नहीं, आज भी नहीं होते पहाड़ के लोग यो, आज भी नहीं होते। और वो ना वो आधा आधा आई वांट टू वर्क, हम कैसे बोलते थे आई वांट टू वर्क, वो ऐसा नहीं बोलते आजकल, बोलते पता है आई वांट टू वर्क, आर साइलेंट ही होता है, आई वांट टू वर्क। तो ये हमको आता नहीं था, तो ये करने में मुझे ऐसे मेहनत लगी थी थोड़ी। हाँ सही बात है, सही बात है, उस कैरेक्टर को ओढ़ना। और ऐसा नहीं कह सकते कि ये खराब है, नई पीढ़ी अपने हिसाब से नहीं, वो सही है, टाइम का है पूरा इतना लंबा बोलने का नहीं, और वो सही है, देखो टाइम के साथ हर चीज बदलती ही है ना, हम शायद अपने दादा दादी वाले टाइम से आगे थे और हमारे आने वाली पीढ़ी उस टाइम से आगे है, तो वो अच्छा है। पर हाँ, तो मुझे वो करने में बहुत मजा आया था, बहुत चैलेंजिंग लगा था, पूरी टीम की बहुत मेहनत थी और इसीलिए वो इतना हिट रहा, इतना हिट हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आया कैसा। बिल्कुल अलग कहानी थी, मतलब हम लोगों ने, हमको याद है कि हम लोगों ने बैठ करके इतनी देर तक देखा था, और मैं ना, मेरे को असल में पता नहीं था पहाड़ी होकर, क्योंकि उस कैरेक्टर को देख करके कोई जज नहीं कर सकता, आपके एक्ट को देख करके भी नहीं कर सकता, वो तो नाम से हर कोई बताता है। ये खूबी भी है कि आपको पहचान ना पाए कि कोई कहां से है, कहां से, लेकिन अपने अंदर का पहाड़, अंदर का पहाड़। मुंबई में रहके पहाड़ कितना रह पाता है अपने अंदर? बिल्कुल नहीं रह पाता है, इनफैक्ट अब अच्छा लगता है। अच्छा तू पहाड़ी है, अब तो काफी बच्चे आ गए हैं, जैसे मेरे को अभी काफी लोग मिले हैं जो पहाड़ी हैं, तो ऐसे ऐसा लगता है ना कि अरे फिर उन्हीं के संग, जैसे अभी मैंने एक नेटफ्लिक्स की सीरीज करी है ये काली काली आंखें, तो उसमें अनंत जोशी जो हल्द्वानी का ही है, वो भी बच्चा है, उसका रोल है अच्छा सा, तो मतलब अनंत जो 25 26 या 24 साल का बच्चा है और मैं उससे डबल उम्र की, हम सारा समय गप्पे मार लेते थे, पहाड़ की बातें चल रही है, अपने रीति रिवाज की, वो ईजा की बात बता रहा है, चटनी की और उसकी उतरैनी की बात हो रही है, और डुबको की बात हो रही है। बटके डुबके खाए आपने? बटके डुबके अभी तो मुंबई में तो नहीं मिलते? नहीं, आजकल सब मिलता है, और रजनीश जी ने मुझे बहुत सारे भेजे हैं। क्या बात, तो मतलब पहाड़ जिंदा रहते हैं वहां पर। तो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आपको फिर किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहाड़ी एक मिल गया तो लगे रहते हो। फिल्मी सफर तो आपका मतलब बहुत शानदार, बहुत ऊंचाई होता है अभी। हाँ, अब मेरा मतलब इनिंग शुरू हो गया, बहुत जबरदस्त चल रहा है मतलब, और अब तो सेलिब्रिटी बहुत बड़ी हो गई। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अब मेरा अच्छा समय आ गया है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, भगवान करे आपको ये बहुत चीजें मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं हमारे पहाड़ की। हाँ, जब पहाड़ों की बात करते हैं, मुंबई आप चले जाते हैं, उसके बाद रह रहकर पहाड़ याद आता है, जब उत्तरायणी का त्योहार होता है तब पहाड़ याद आता है, जब कभी घुघुते नहीं आते ना अपने पास, बाकी लोग पहाड़ से व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे होते हैं, तब पहाड़ हर चीज में। इनफैक्ट हमारे यहाँ जैसे होली होती है, घर में पापड़ बनते हैं, गुजिया बनती है, और जो रंग होता है, और क्या होता है बॉम्बे में होली बहुत अच्छे से बनती है। मतलब जैसे मुझे याद है हम जब छोटे थे हल्द्वानी में, हमें तो दरवाजा बंद करके रहना पड़ता था, रौला काट देते थे सारे लोग, भांग और शराब पी के चिल्लाते थे, ये सब होता था। यहाँ पर आके मैंने ऐसा देखा है कि आप ऑटो में बैठ के कहीं भी चले जाओ, अंधेरी से बैंड्रा चले जाओ, जुहू चले जाओ, और दोस्तों के यहाँ जाओ, वहाँ सब मस्त होली हो रही है, और वो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं सच में वैसी होली होती है। एक तरफ काउंटर लगा है खाने का, एक तरफ रंगों का, एक तरफ दारू का, और लोग मतलब बड़ी सी सोसाइटी में, ऊपर से पानी गिर रहा है, बढ़िया डीजे ने गाने लगा रखे हैं, सारे फिल्मी होली के गाने लगे हैं, आप नाच रहे हो मस्त होकर, मतलब उस हिसाब से तो बहुत मजा आता है। लेकिन फिर भी पहाड़ जो पहाड़, हाँ वो पहाड़ याद आता है, क्योंकि जैसे पहाड़ में हम लोग जो वो करते हैं ना कि जैसे दिवाली होती है तो वो एक थाली में थोड़ा खिलौने और दो चार लड्डू और वो रखकर हम हर पड़ोस में देते हैं, हर पड़ोस से अपने आता है। होली में तो हमारे गाँव में क्या होता है, ढोल बजाया जाता है, होली गाते हैं हम लोग उसमें। अरे हमारे यहाँ बैठक होली होती थी बचपन जब, तो बहुत मजा आता था। हाँ, मेरे नाना मामा और मौसी कुछ समय तक हमारे साथ रहते थे, तो वहाँ पे ना वो हारमोनियम तबला ढोलक लेके कुछ जेंट्स आते थे, मेरे मामा लोग के दोस्त थे, और हमारे यहाँ रात में दो दो तीन तीन दिन बैठक होली होती थी। अभी अभी जब बैठक होली की बात है, मैं चाहूंगा एक लाइन हम गा दीजिए क्योंकि होली का ही टाइम आ रहा है। अच्छा, मुझे जो याद है, हम दोनों पहाड़ी आपको होली सुना रहे हैं। आहा खेलना होली, आहा खेलना होली,
सोनाड़ी चुनर मोरियो फाड़ी ए सोनाड़ी चुनर गयो फाड़ी ए सोनाड़ी चुनर गयो फाड़ी ए सोनाड़ी चुनर गयो फाड़ी हंसी हंसी दे गयो गारी छेला क्या बात है। अच्छा थोड़ा सा हमारी धुने वो है अलग अलग हो रही है, होली की अलग होती है, रात की होली की अलग होती है वो, लेकिन बट फील एक ही है, फील मिलना चाहिए। तो होली का त्योहार भी अभी है तो हाँ। होली में जा रही है? नहीं, मैं होली एक तो पिताजी को गुजरे, वैसे तो एक साल हो जाएगा पर नहीं खेल लेंगे अभी, और कोविड के चक्कर में भी अभी बहुत ज्यादा, और अभी ना मैं लॉकडाउन में 4 महीने अपने घर में अटक गई थी। ये कैसे काटा आपने टाइम? मैं बताती हूँ क्या हुआ कि शुभ मंगल ज्यादा सावधान रिलीज हो गई थी, उसके तुरंत बाद ही लगा था। हाँ, उसके बाद मेरा जो आगे काम था वो मार्च एंड से शुरू होने वाला था, तो मुझे लगा 3-4 साल हो गए घर जाते। हमने पाली है 2 बिल्लियां। अच्छा। तो मैं और मेरे पति रहते हैं अकेले, तो बिल्लियों के चक्कर में या तो वो अपने घर जाता है या मैं अपने घर जाती हूँ, हम दोनों वो बिल्लियां नहीं छोड़ पाते। तो क्या हुआ, मैं घर गई एक हफ्ते के लिए और मेरे हस्बैंड स्टार स्पोर्ट्स में, उनका आईपीएल शुरू होने वाला था 28 मार्च से। हाँ। तो वो यहीं थे, एक को रहना पड़ता है घर। अच्छा, में अच्छा। तो मैं 13 या 14 को मैं घर गई थी, और 13-14 को ही मेरे फादर की तबीयत खराब हुई। हाँ। और 15 की रात को उन्हें बरेली ले गए और फिर उनकी वो एक्सपायर कर गए। तो फिर मैं जो कि 25 को वापस आने वाली थी, मुझे 31 तक रुकना ही था, पीपल पानी था 31 मार्च को, लेकिन 21 को लग गया लॉकडाउन। एक हफ्ते के लिए मैं गई थी 5 जोड़ी कपड़े लेकर, और मैं लॉकडाउन के बाद 4 महीने मैं आई हूँ जून में वापस। अरे बाप रे। क्योंकि और मेरे पति यहाँ अकेले, मेरी बिल्लियाँ अकेली, और मतलब लकीली ये अच्छा है कि वो खाना वाना सब खुद बना लेते हैं, तो मुझे वो एक टेंशन नहीं था। पर लेकिन आप ना मेंटली एक दिमाग रहता है, दिमाग रहता है कि क्या खाया होगा, क्या खाया होगा, नहीं खाया होगा। उसके अलावा ये कि सारे काम अटक गए हैं, जो पैसे आने हैं वो कब आएंगे, जो हैं वो कितने चलेंगे। और समस्या तो बहुत हुई, एक महीना तक तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पहले तो हम क्योंकि उस सारे माहौल में थे, फिर उससे उबर रहे थे तो निकल गया। पर 3rd-4th महीने में ऐसा होने लगा कि मैंने अपने घर वालों से बोला कि अब अगर मेरी सटक गई है, अब अगर मैं किसी के संग पंगा करूं, कोई लड़ाई करूं, तो पहले ही बोल दे रही हूं माफ कर देना। अरे बाप रे। क्योंकि मेरा दिमाग खराब होने लग गया था। क्योंकि क्या होता है ना, आप बहुत लंबे समय तक, मेरे को 20 साल हो गए बॉम्बे में, तो जब आप बहुत लंबे समय तक किसी और शहर में रहते हैं तो एक आदत लग जाती है, आपकी मेंटेलिटी थोड़ी उस तरह की हो जाती है। फिर जब आप वापस जाते हो तो ऐसा लगता है बहुत बार सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा है, एक पतली सी लाइन होती है तो वो हो जाता है, वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो चीज हो जाती है। और फिर कुछ भी हो ना, फिर जैसे कहते हैं ना, अपना घर अपना ही होता है, अपना घर अपना ही होता है। आपको अपने घर की दीवारें, अपने घर का हर कोना याद आने लगता है। और अभी औरत का पति वहाँ है, यहाँ है, और अच्छा कपल है जिनमें प्यार है बहुत, लेकिन तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लड़ाई वड़ाई होती है तो लगता है चलो ठीक है और थोड़े दिन आराम है। अच्छा। पर अगर आपस में प्यार हो तो फिर वो टाइम ऐसा लगता है अरे यार वापस जाना है। पर पहाड़ फिर भी दिल में तो रहता ही ना। अरे पहाड़ क्या, हम घूम जैसे मतलब थोड़ा सा खुल गया था तो हम भीमताल वगैरह घूमने। अच्छा, चले जाते थे। अच्छा, भीमताल में कोई पहचाना नहीं अचानक से? क्योंकि सब नहीं, सब तो बंद था। अच्छा, तो गाड़ी के अंदर अंदर घूम रहे हैं, चाय पी ली, दो गांव में जाके कुछ खा लिया, वैसा दो गांव में पकौड़े मिलते हैं, भुट्टे मिलते हैं, सब तो भुट्टे खाते हैं अभी। हाँ हाँ, मेरी तो भाभी ने घर में थोड़ी सी जो जमीन है वहाँ पे भुट्टा मूली चना सब लगा रखा है। कितना अच्छा लग रहा है। अरे बहुत अच्छा समय बीता। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी इजा से बात कर रहा हूँ। हमें लग ही नहीं रहा कि अलग है कुछ ऐसा, और ऐसा रिश्ता भी बन गया है। हाँ, ये पहाड़ की अभी भी चेला हो गया ये मेरा। आप पप्पू दा के गाने सुनती हैं? पप्पूदा के गाने मैं पप्पूदा के गाने नहीं सुनती हूँ, मैं आजकल उसके गाने सुनती हूँ, वो जो लड़की वो गाती है ना, तेरों मेरों
बहुत अच्छा गाती है तो मैं उसके काफी सुनते रहती हूँ। मौका लगे पप्पू दा के सुनेगा, अभी वो है नहीं दुनिया में, लेकिन पर दाने बहुत खूबसूरत से गाने गाए हैं। एक और अच्छा, एक और जिन्होंने पियानो में वो वाला गाना बजाया वो यूट्यूब से ही मैंने देखा, ये जन ब्याया बिलोरी लागला बिलोरी का घामा, बिलोरी का घामा। ये गाना कितना गाए थे बचपन में? अच्छा, हाँ। पहाड़ी गाने सुनते थे आप उस टाइम? पहाड़ी गाने भी सुनते थे, और वो अपने वो थे ना गोपाल बाबू गोस्वामी को सुना है, उनको सुना है। और क्योंकि मैं नैनीताल में 4-5 साल रही हूँ तो मेरा जो है उस तरह से कल्चरली बहुत अच्छा हो गया, शायद नैनीताल नहीं जाती तो नहीं हो पाता क्योंकि पिताजी पिथौरागढ़ से आ गए थे। पर ये खूबी है कि पहाड़ की जड़ों से आप जुड़े हुए हैं। ये हमारे हाँ। पहाड़ियों के बारे में एक चीज कही जाती है क्योंकि आपने अभी बहुत बड़े सपनों को पा लिया है, तो हमारी छोटी आंखें बड़े सपने, हम बड़े सपने पहाड़ जैसे बड़े बड़े सपने। छोटी आंखों को लेकर बोला गया, मुझको बोला गया कई बार, तुम्हारी आंखें बड़ी छोटी है देखते कैसे। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं नैनीताल में जब शुरू में हम लोग प्ले कर रहे थे तो क्या होता है वहाँ, तो हम सब खुद ही अपना ये मेकअप वेकअप करते थे, तो वहाँ दाजू थे, वो दाजू का नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे, गंजे गंजे से थे ड्रामा डिवीजन में। अच्छा। तो वो मेरा मेकअप कर रहे थे तो मैं से कहने लगे आंखें खोल, उनका दाजू ये तो पूरी खोली है, मतलब उन्हें उन्हें लगा मेरी आंखें बंद है, तो बोले आंखें खोल, मैंने कहा ये तो पूरी आंखें खुली है मेरी। लेकिन पर ऐसा है, इन छोटी आंखों ने बहुत बड़े सपने देखे हैं और देख भी रहे हैं। मतलब मैं भी पहाड़ के ऐसे गांव से आता हूं जहां पर रेडियो और टेलीविजन जो है वो सपने की तरह देखा जाता है, सपने की तरह। और आज जब रेडियो से शो करता हूं तो मेरे गांव के लोग सुनते हैं। नहीं नहीं, बहुत ही चाहिए ही नहीं। मैं तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उनमें एक जज्बा है और उनमें जुनून है, वो करते हैं। नहीं तो हमारे टाइम में हमें कुदरती तौर पे भगवान की दुआ से कोई एक मौका मिला तो, पर अभी इतने रास्ते हैं और इतना कुछ है करने को, और पहाड़ से बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे मतलब बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम और करते भी जाएंगे, करते भी जाएंगे, बिल्कुल करते जाएंगे। हमारे पहाड़ियों के लिए कहना चाहेंगे कि भाई सुन लो, इस बात को ध्यान रख लो और बहुत समझ करके रखो, हाँ, कि हम पहाड़ से हैं। पहाड़ जो कि शब्द बोलो तो एक इतनी बड़ी आकृति दिमाग में आती है ना, जिससे टकरा के हवा भी वापस चले जाए, जो तूफान को रोक दे, जो किसी भी जलजले को रोक दे, हम वो पहाड़ उस जगह से आए हैं, तो हमारे अंदर वो चट्टान जैसी हिम्मत है और उसको हमेशा बरकरार रखना, कभी डरने की जरूरत ही नहीं है। हम तो पहाड़ी हैं, हम तो लोगों को उदाहरण देंगे, हम इतने उदाहरण बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ी मतलब एक पल को भी, एक पल के लिए भी हिचकेगी नहीं कुछ भी करने के लिए। तो कभी डरना मत, एक जो भी आपके मन में अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश करना, ये जीवन एक ही बार मिलता है। कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो ट्रैकिंग का काम कर रहे हो, कोई भी काम हो, काम शेफ हो, कुछ भी, टीचिंग करो, एक्टिंग करो, पॉलिटिक्स करो, कुछ भी करो, लेकिन जो भी करो ना दिल से और सच्चाई से करो। हाँ, मुंबई आओगे तो मिलना जरूर। बिल्कुल 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 मिलना, बिल्कुल मिलना। फोन कर लेना, मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पे, फोन नंबर तो नहीं बता सकते अभी। ऐसा कुछ नहीं है। कि आगे और बनारस आओगे तो मुझसे जरूर मिलना। हाँ। यहाँ पर बनारस ही पाया जाता हूँ। जब भी कभी मौका लगता है पहाड़ भाग जाता हूँ। हाँ। पहाड़ों में दिल है, लेकिन हमेशा वो कहते हैं ना कि पहाड़ है लेकिन कर्मभूमि छोड़नी पड़ती है। नहीं, वो जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है क्योंकि जिंदगी तो आगे चलने का नाम है ना। पहाड़ यही तो करता आया है, चाहे नदियां हैं वो दूसरों को देता है, दूसरों को देता आया है, नदियां हैं बिल्कुल, मैदान में सब जगह सींचा जाता है, उससे वैसी हमारी तो आप नदी को रोक नहीं सकते हो, नदी को तो बहना ही पड़ेगा, तो घबराइए बिल्कुल मत, घबराइए बिल्कुल। ये चाहता हूँ कि आप जाते जाते एक पहाड़ी गाने के साथ, पहाड़ी गाना कोई भी पहाड़ी गाना जो आपका फेवरेट है, जो आपको सुनाती है, दो लाइन भी गाऊंगी तो चल जाएगा। घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, आम की डारी मा घुघुती न बासा,
आम की डारी माँ घुगुती न बासा तेरी घुर घुर सुनी मैं लागूं देखा स्वामी मेरा परदेसा मैं रोनू मैं ऐसे करके कुछ ऐसा कुछ है जय पहाड़ जय उत्तराखंड। तो ये एक फिल्म स्टार सेलिब्रिटी लेकिन दिल से पहाड़ी हमारे साथ थी। मैं तो आपको ताई कहूंगा, तो ताई कहा ईजा को कुछ भी कहा हमारी ताई जी सुनीता ताई कैजा भी को जो कैजा जो चले छे सब यही छे पे पहला पे जसले छे आशीर्वाद जीरे चला जीरे भल देवता की कृपा बनी रहे आप पर भल करी। हां भल करी बढ़िया चलना कॉमेडी बंद हो यही बटी बोला बंद कर दे पे के आप ठीक छ पे पहला ठीक छ पहला पहला।